स्टूडेंट्स, आज आप लोग को लेसन टू का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। लेसन टू आप लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसमें पौधे के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आप जाने थे, रूट और शूट के बारे में जाने थे। तो इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज इसका क्या है सर? फर्स्ट एक्सरसाइज का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये में चूज द करेक्ट आंसर क्या है। पहला, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फिक्सेस इन इट इन द सॉइल क्या होता है? पौधे का वह भाग जो सॉइल में फिक्स रहता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या होगा उसका आंसर? रूट होगा। दूसरा है, बी ईट द लीव्स ऑफ, हम इसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार में से किसका लीव्स का उपयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं? इसका आ जाएगा कैबेज। अगला है, थ्री ए प्लांट विथ टेंडल्स, किस पर किस प्लांट में टेंडल्स पाया जाता है? तो हो जाएगा पी प्लांट। फोर है, द पार्ट ऑफ ए प्लांट कॉल्ड किचन, पौधे का कौन सा भाग को पौधे का किचन कहा जाता है? तो लीफ, किचन ऑफ द प्लांट लीफ होता है। तो उसी प्रकार देखिए आगे आपका है फाइव में, द प्रोसेस बाय विच बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि द प्रोसेस बाय विच बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट क्या कहलाता है उसको? तो होता है जर्मिनेशन। अगला है, द पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेनिंग सीड, पौधे के किस पार्ट में सीड पाया जाता है, सीड रहता है? तो क्या उसमें रहता है? फ्रूट में, उसका फ्रूट रह जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। फिर बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पांच चार क्वेश्चन इसको आंसर लिखना है, इसका आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इसका आंसर एक कॉपी में कर लीजिएगा। तो बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज रूट ऑफ ए प्लांट डिफर फ्रॉम द शूट, पौधे का रूट शूट से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? तो आपको बताए थे हम कि रूट द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, ये सब बताए थे ना। तो उसी से आप लोग को ऐसे तो आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ए स्टीम, स्टीम का मेन फंक्शन क्या है? स्टीम का फंक्शन क्या है? कैरी करना, वाटर और मिनरल्स को कैरी करके कहाँ पहुंचाना? पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। उसके बाद डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेनिंग फूड इन द प्लांट, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आप लोग को बताया गया था। अब आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। भाई इज लीफ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीफ को पौधे का रसोई घर क्यों कहा जाता है? तो इसमें आपको बताया थे कि पौधे के लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में के कारण ही क्या करते हैं, सनलाइट, पौधे का लीफ सनलाइट को ट्रैप करते हैं, जिसके कारण उसमें सनलाइट को ट्रैप करने के बाद फिर क्या होता है, एटमोसफेयर से एयर और सॉइल से रूट के द्वारा जल लेकर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है किचन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट, व्हाट आर द यूजेज ऑफ ए रूट ऑफ ए प्लांट, पौधे के रूट का क्या यूज है? सबसे पहला यूज तो है कि पौधे का रूट जो है पौधे को सॉइल में फिक्स करता है, और दूसरा है कि रूट का काम क्या है, वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करके स्टेम तक, मनीसूर सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व करता है, ये सभी था। अगला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच अदर फॉलोइंग, सबका एक एक उदाहरण लिखना है। तो एनिडेबल रूट, ऐसा रूट जो हम खाते हैं, तो क्या होगा, रेडिश, रेडिश को हम लोग खाते हैं। एनिडेबल स्टेम पोटैटो भी सही है, एनिडेबल लीफ कैबेज भी सही है, ये जूसी फ्रूट रसदार फल ऑरेंज, ऑरेंज का हम लोग जूस पीते हैं जी। एनिडेबल सीड खाने योग्य बीज जो हम खाते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, तो कुछ भी लिख दीजिएगा जो सही होगा, तो यहाँ पर वीट लिखा हुआ सही है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन आंसर आपको समझाए एबीसी, इसको आप इसका आंसर आप लोग को प्रोवाइड भी किया जाएगा, लेकिन हम समझा दिए हैं। और जो आंसर प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप लोग फेयर कॉपी में कीजिएगा, अच्छे तरीके से लिखिए, सुंदर लिखिए, इसके पहले चैप्टर का भी फेयर कॉपी,
में कर लीजिएगा, अपने फेयर कॉपी अच्छे ढंग से कीजिएगा, एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू जहाँ तक हुआ वहाँ तक फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। इसका बर्ड मीनिंग आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जाएगा ही, सुंदर ढंग से फेयर करना है। फिर हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।